जय माता दी ऑल एंड होप यू आर रियली एंजॉयिंग. वेल, क्वेश्चन नंबर 7 में सबको मजा आया और मैं कहूंगा दो लोगों को तो चलो प्राइजेस मिले, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे सही आंसर्स थे लाइव चैट के अंदर. और हमारे रूल्स वही सेम रहेंगे जो रूल्स आपको ऑलरेडी पता हैं, दैट यू हैव टू गिव योर आंसर्स इन द लाइव चैट व्हेन द वीडियो इज प्लेइंग, मेरे क्वेश्चन पूछने के बाद. और जब मैं इंडिकेशन दूंगा आंसर के लिए, उस वक्त आप आंसर्स देंगे. एंड दोज who have already won in the previous three questions. So, aaj question number 8 poochne ja raha hun. To jisne bhi question number 7, 6 ya 5 mein jo winner the, wo log aaj winner hone ke liye eligible nahi hain, taki aur logon ko bhi winner hone ka chance mile. And I'll say, well, please don't give your answers in the comments, क्योंकि फिर वो दोनों को correlate करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है कि कौन सा आंसर पहले आया कौन सा बाद में आया. एंड प्लीज़ नाराज मत होइए. कुछ लोग अभी भी WhatsApp के ऊपर नाराज़ हो रहे हैं कि सर हमारा आंसर सही था. अरे भाई, आपका भी सही था, बट आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो माई टीम ऑन 3 डिफरेंट locations इन इंडिया, वर्क फ्रॉम होम एवरीबडी, और सब लोग अपना अपना चेक कर रहे होते हैं लाइव चैट को और फिर आपस में कंफर्म करते हैं, फिर जाकर हम लाइव चैट के एंड पार्ट में जाकर हम बताते हैं कि आज का विनर कौन है. एंड यस, वेल कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम बंसल एंड गौरव शर्मा फॉर विनिंग द लास्ट क्वेश्चन, दैट वॉज रिमार्केबल. उसके अलावा और भी बहुत सारे सही आंसर्स थे और बहुत सारे गलत आंसर्स थे. आई होप कि सबको सीखने के लिए तो कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, चाहे आंसर सही थे या गलत थे. आज का सवाल क्या आने वाला है वो सबको मालूम है, सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर आने वाला है. जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने डिमांड किया था एट द एंड ऑफ द वीडियो, सो दैट इज गोइंग टू बी देयर. और मैं बताऊंगा लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में, कि कौन सा सेक्शन कंपनी लॉ का कौन सा सेक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में पूछने वाला हूं. तो आज सेक्शन 164 के बारे में बात करेंगे. बट राइट नाउ, वेल बिफोर आई रियली मूव ऑन फर्दर इनटू दैट, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, बिकॉज आई एम माई सेल्फ एन अकेडमिशियन नाउ फॉर सो मेनी ईयर्स एंड बींग इन द अकेडमिक्स आई हैव रियली सीन इन द लास्ट 20 ईयर्स सिंस द टाइम आई एम टीचिंग मोर देन 20 ईयर्स नाउ, बहुत बदलाव आते हुए देखा है मैंने अकेडमिशियंस में, टीचर्स में, स्टूडेंट्स कम्युनिटी में तो देखा ही है, बिकॉज ऑफ वेल नो सो मच ऑफ द वेल आई विल से सोशल मीडिया एंड ऑल दैट. बट टीचिंग कम्युनिटी में भी बदलाव आते हुए देखा है. और आज कल मुझे ये बड़ा दुख होता है, ये देखता हूँ कि प्रोफेशनल सिलेबस में या प्रोफेशनल कोर्सेज में वो टीचर्स हैं जो आपको रट्टू तोता बनाना चाहते हैं, जो आपको रट्टोफाई करवाना चाहते हैं कॉन्सेप्ट्स, और कहते हैं हमारे साथ साथ रट लो और रट्टू तोता बन जाओ. तो मुझे एक चीज़ मैं अपनी आइडियोलॉजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. यू मे एग्री यू मे नॉट एग्री, मेरा मानना है कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम जो है, मे बी इन इंडिया मे बी आउटसाइड इंडिया, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, 5 ऑब्जेक्टिव ज़रूर होने चाहिए. मॉरल एजुकेशन साथ में होना चाहिए, 5 ऑब्जेक्टिव ज़रूर होने चाहिए. नंबर 1, स्टूडेंट्स को ऑनेस्ट बनाना अपने खुद के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने सोशल सर्कल में, अपनी सोसाइटी के साथ, अपने नेशन के साथ, अपनी कंट्री के साथ, और एनवायरनमेंट के साथ भी. जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो दैट इज़ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम टू इम्बाइब द ऑनेस्टी इन द स्टूडेंट्स, नंबर 1. नंबर 2, मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं 5 चीज़ों के लिए, फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर फैमिली, फॉर सोसाइटी, फॉर नेशन, फॉर टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट ऑल्सो. ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट करना स्टूडेंट्स के अंदर, वो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्बाइब करना, वो भी एजुकेशन सिस्टम का काम है. नंबर 3, करेज देना स्टूडेंट्स को, करेज टू स्टैंड फॉर समथिंग विच इज़ राइट. प्रोफेशनल करियर में जब आप ऑब्वियसली जॉब में हैं या प्रैक्टिस में हैं, आपको एक ऑब्वियसली ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशंस मिलेंगे सभी को, जहां वो करेज फैक्टर काम आता है. अंदर से वो ऑनेस्टी और करेज दोनों एक साथ चाहिए होते हैं टू फेस दोज डिफिकल्ट सिचुएशंस. तो करेज देना भी कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम का काम है. एंड देन आई विल से परसिस्टेंस, सिर्फ एक बार की बात नहीं कि आप थोड़े दिनों के लिए ऑनेस्ट हैं बाद में डिसऑनेस्ट हो जाओ, या थोड़े दिन के लिए आप करेजियस हैं बाद में आप करेज को छोड़ दो और आप गलत काम करने लग जाओ. परसिस्टेंस, कॉन्टिन्यूटी विद ऑल दीज थिंग्स, विद ऑनेस्टी, विद विल आई से रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद करेज, वो परसिस्टेंस सिखाना भी कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम का काम है. एंड लास्ट 1, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी कवर हो चुका जो मैं पहले बातें कर चुका हूँ, लेकिन 5वां,
key word, very important character in a human being, that is compassion for the other human beings, for the nature. Well, वो compassion सिखाना भी हमारे education system का काम है. तो ये education system के पांच responsibilities हैं, जिसको मैं कहूँगा moral education सिखाना भी हमारे education system का काम है. रट्टू तोता बनाने वाले टीचर्स तो बहुत सारे हैं, और मैं कहूँगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको कहते हैं ये रहा सिलेबस, आओ रट्टा मारो, एग्ज़ाम दो, पास हो जाओ, डिग्री ले लो और कहानी ख़त्म हो गई. बट आई टेल यू वन थिंग, मैंने जो पिछले 20-22 साल अपने टीचिंग करियर में देखा है उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ. आई हैव सीन द पीपल हु आर क्वालिफाइड, जिनके पास डिग्री है लेकिन आता जाता कुछ नहीं है, आता जाता कुछ नहीं है, और प्रोफेशनली भी बहुत सक्सेसफुल नहीं है. बहुत अच्छे मार्क्स थे जब वो प्रोफेशनल डिग्री उन्होंने ली थी, लेकिन बाद में वो प्रोफेशनल करियर में सक्सेसफुल नहीं हो पाए. मे बी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि शायद वो पांच कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने अभी बोले वो एजुकेशन सिस्टम ने उनको प्रोवाइड नहीं किए. सो आई रियली फील सॉरी फॉर दैट कि एजुकेशन सिस्टम की कमी है, या एजुकेशन सिस्टम से ये फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स लेने वाले स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि हमें एजुकेशन सिस्टम से क्या लेना है. और मैं एक चीज़ आज ज़रूर बोलना चाहूँगा यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए हम बोलते हैं दे आर अनएजुकेटेड बोलते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं. कुछ लोगों के लिए हम बोलते हैं वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं, अच्छी डिग्रीज हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है. कुछ लोगों के लिए मैं बोलता हूँ इल एजुकेटेड, जिनके पास डिग्री तो है लेकिन वो पाँच फैक्टर्स की कमी है कहीं ना कहीं, दे आर इल एजुकेटेड. और एक लाइन मैंने कहीं इंटरनेट पे पढ़ी है, मैं भी कभी ना कभी यूज़ करता था एक टाइम पहले, और बोलता ही था, दैट आई यूज़ टू बी यूजिंग दैट लाइन क्वाइट अ लॉट. लेकिन उसके पीछे ना हिडन इंटेंशन क्या थी वो आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. वी से दैट नॉलेज इज़ पावर, बट आई टेल यू वन थिंग, नॉलेज बाई इट्सेल्फ इज़ नॉट पावर. किताबें क्या बोलूँ, चार्ट ली, किताबें रट्टा मार लिया, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, और कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर, हमारे पास बहुत सारी नॉलेज आ गई है. बट आई टेल यू वन थिंग, इफ़ यू डोंट हैव द डिज़ायर टू इम्प्लीमेंट दैट नॉलेज, अगर आपके पास वो विजडम नहीं है हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट नॉलेज, अगर आपके पास वो डिज़ायर नहीं है टू इम्प्लीमेंट दैट नॉलेज, तो वो नॉलेज सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है. दैट नॉलेज इज़ जस्ट द इन्फॉर्मेशन एंड नथिंग एल्स. देन यू शुड हैव द विजडम टू अप्लाई दैट नॉलेज, यू शुड हैव द डिज़ायर टू अप्लाई दैट नॉलेज. अंदर से एक डिज़ायर भी होना चाहिए. एक स्किल है कि आपने एक स्किल डेवलप कर लिया, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करने का स्किल आ गया, लेकिन अंदर से डिज़ायर नहीं है इंटरप्रिटेशन करने की. चल यार धक्के से काम चला ले, सामने कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजन्स आ गए कंपनी लॉ के, या कंपनी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ गई, चलो इसको ना धक्के से काम चला लो. तो वो जब डिज़ायर ही नहीं है लॉ को इंटरप्रेट करने की, तो स्किल का क्या फ़ायदा. तो स्किल और कॉम्पिटेंसी में एक फ़र्क है. स्किल का मतलब आपके पास एक स्किल सेट आ गया है हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ. मैं तो अपनी बात करूँगा, अपने प्रोफेशन की बात करूँगा, बट इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल. और दूसरी तरफ मैं बात करूँगा कॉम्पिटेंसी. तो कॉम्पिटेंसी इज़ कि आप उस स्किल सेट को अप्लाई करने का डिज़ायर रखते हैं, यू आर कॉम्पिटेंट टू यूज़ दैट स्किल सेट ऑल्सो एट द सेम टाइम. सो एनी हाउस, बहुत सारी ज्ञान ध्यान की बातें हो गई, एंड मुझे समहाउ लगता है कि स्टूडेंट्स को भी ये सब कुछ सीखने की ज़रूरत है आजकल, और स्टूडेंट्स से ज़्यादा टीचर्स को सीखने की ज़रूरत है, उन टीचर्स को जो सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन को रट्टू तोता बनाने में लगे हुए हैं और मॉरल वैल्यूज़ नहीं दे रहे हैं. तो दिस इज़ समवेयर आई होप दैट टीचर्स विल ऑल्सो all teachers including me myself will also work on this in the long term for the betterment of society in the long term. Fir aage badhte hain, finally I'll say towards question number 8, and when I'm talking about the question number 8, yes, the ball is back. Aur jab main question rokunga, aaj teen parts puchne wala hu section 164 ke upar a b c. तो उसके बाद आपको जब तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तब आंसर देना, लेकिन इंडिकेटर वो बॉल देखने के बाद. लेकिन आज की बॉल थोड़ी सी बड़ी है. सो दिस इज़ द बॉल टुडे दैट यू हैव टू सी ऑन द वॉच ऑन द स्क्रीन. और जब ये बॉल आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगी तो उस वक्त आपको आंसर देना है. अब मैं ये इस बॉल को स्क्रीन से हटा रहा हूँ, आई एम रिमूविंग इट फ्रॉम द स्क्रीन. नाउ लिसन टू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. फर्स्ट क्वेश्चन, एंड आई रिपीट दैट तीन क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको येस और नो में आंसर देना है, और बस इतना ही बताना है कि डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है या नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 1, एक पब्लिक कंपनी है,
और उस पब्लिक कंपनी में क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनमें डिविडेंड लैप्स नहीं होता, एक्यूमुलेट हो जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए और कंपनी को फिर नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर का भी देना पड़ता है। लेकिन इस कंपनी ने एक साल फिर दो साल प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं किया है, फर्स्ट ईयर का भी सेकेंड ईयर का भी, एंड द डिफॉल्ट इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग। तो फर्स्ट ईयर का जो प्रेफरेंस डिविडेंड था वो पे नहीं किया है। अभी आंसर मत दीजिएगा, चीटिंग करते हो आप लोग, आंसर लिखना शुरू कर देते हो, आंसर मत दीजिएगा। सो वेल फर्स्ट ईयर का प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया, इट कॉन्टिन्यूज फॉर द डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूज फॉर वन ईयर और मोर, और फिर सेकेंड ईयर का भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया है, डिफॉल्ट इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, और बाद में वो प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। लेकिन पुराना पास्ट प्रेफरेंस डिविडेंड अभी भी वो एक्यूमुलेट हो चुका है, कंपनी की लायबिलिटी है पे करना, और वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने के बाद भी एक साल और निकल जाता है और फिर भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया है। अब मेरा सवाल है, फाइनली इस सिचुएशन में डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हैं या नहीं है? येस और नो, दैट इज क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू फॉर यू, एंड दैट इज, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं किए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं और रिडीम नहीं किया, और रिडम्पशन की जो ड्यू डेट है वहां से वन ईयर या उससे ज्यादा हो जाता है, एंड द डिफॉल्ट इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स की का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिडीम नहीं किया है, रीपे नहीं किया है, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं होंगे? क्वेश्चन नंबर टू, अभी आंसर मत देना, अभी तक जितने भी आंसर दिए गए वो इनवैलिड हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए वेट करना, उसके बाद बॉल आएगी स्क्रीन पे, उसके बाद जो आंसर आएंगे वो आंसर वैलिड होंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, एंड दैट इज कि हमारी कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट, अब लास्ट क्वेश्चन डिपॉजिट्स के ऊपर ही था वैसे तुम्हारा, हमारी कंपनी ने डिपॉजिट लिए ये बोलकर कि 36 मंथ्स के लिए ले रहे हैं, 36 मंथ्स के बाद जिस दिन रीपे करने चाहिए उस दिन रीपे नहीं किए, डिफॉल्ट किया, एंड दैट डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूज फॉर वन ईयर और मोर। अब होता क्या है, जब वन ईयर कंप्लीट हो जाता है तो एक मिस्टर भोला कंपनी में न्यू डायरेक्टर ज्वाइन करता है, वन ईयर कंप्लीट होने के बाद डिफॉल्ट का वन ईयर, क्या वो भोला अपॉइंट होते ही कंपनी में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? यस और नो, गिव द आंसर्स नाउ, दैट्स इंडिकेशन फॉर यू। तो अब सवालों के जवाब लिखना शुरू कर दीजिए, और जब आप आंसर दे रहे हैं तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, लास्ट क्लास में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके ऊपर मेरे से व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैं थोड़ा सा आंसर दे दूं मीनवाइल, एंड यस काउंटिंग हम ज़रूर करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं, उसके बाद मैं लास्ट क्लास के क्वेश्चन के कुछ आंसर्स देने वाला हूं। तो दैट काउंटिंग स्टार्ट्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, 0। हाँ जी, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें मुझसे स्पेशली एक क्वेश्चन आया कि सर वो पारी पशु वर्ड क्या होता है, सर पारी पशु वर्ड क्या होता है, जवाब दे दूं मैं यहां पर। पारिपशु का मतलब एट पार, ऑन द सेम फुटिंग, ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, और जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन देखा है और उनको मैं आंसर जरूर समझा दूं, वो 100 करोड़ की फैक्ट्री है, 40 करोड़ का बैंक लोन लिया था, 20 करोड़ के डिवेंचर इशू किए थे, और सेम फैक्ट्री के ऊपर पारिपशु चार्ज क्रिएट किया था एट पार विद द बैंक, और बैंक ने उसके लिए NOC दिया होगा पक्का, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू द इशुअर कंपनी, कि आपने हमसे लोन लेकर जिस फैक्ट्री पे मॉर्गेज क्रिएट किया है उसी फैक्ट्री के ऊपर आप डिवेंचर्स बेसिकली डिवेंचर होल्डर्स को पारी पशु चार्ज दे सकते हैं एट पार। अब फ्यूचर में दो बातें हो सकती हैं, वेल या तो कंपनी लोन ठीक ठाक रीपे कर देगी बैंक का और डिवेंचर्स रिडीम कर देगी, कभी कोई डिफॉल्ट करेगी नहीं, कभी कोई झगड़ा होगा नहीं। सिचुएशन टू, कंपनी अगर डिफॉल्ट करती है, अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है और कंपनी वो लोन रीपे नहीं करती बैंक का, डिवेंचर्स रिडीम नहीं करती, अब दोनों तरफ डिफॉल्ट हो जाता है, तो मैं प्रिज्यूम कर लेता हूँ कि वो बैंक का आउटस्टैंडिंग अमाउंट 40 करोड़ है, डिबेंचर्स का आउटस्टैंडिंग अमाउंट 20 करोड़ है, आई एम इग्नोरिंग द इंटरेस्ट एलिमेंट। अब दो बातें हो सकती हैं, अगर फैक्ट्री को बिडिंग में आप पब्लिक ऑक्शन में बेचा जाता है और जो टोटल वैल्यू आती है वो 60 करोड़ या 60 करोड़ से ज़्यादा की पेमेंट आती है जब उसको पब्लिक ऑक्शन में नीलामी में बेचा जाता है, तो बैंक का और डिबेंचर होल्डर्स का फुल अमाउंट रीपे हो जाएगा, और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो उस कंपनी के पास, जो इशुअर कंपनी जिसने डिबेंचर्स इशू किए वो बैलेंस अमाउंट इशुअर कंपनी के पास आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि विल्ला जो पब्लिक ऑक्शन हुई उसमें हाईएस्ट बिड आई 50 करोड़, 50 करोड़ की बिड आई, तो अब वो 50 करोड़ रुपए में ना, मतलब बेसिकली ना तो बैंक की पूरी पेमेंट होगी अब और ना डिबेंचर होल्डर्स की, अब उस केस में क्या होगा, प्रोपोर्शनेट किया जाएगा, और बैंक का 40 करोड़, डिवेंचर होल्डर्स का 20 करोड़, टोटल एग्रीगेट 60 करोड़ है जो कंपनी को पे करना है, लेकिन फैक्ट्री बेचकर हाथ में कितना आया, सिर्फ
50 करोड़। अब उस 50 करोड़ को प्रोपोर्शनेटली कैसे बांटा जाएगा, तो बैंक के पास क्या जाएगा, 50 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 40/60, या 50 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 4/6 कह लीजिए, या 50 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 2/3, दैट विल गो टू द बैंक। और डिवेंचर होल्डर्स के पास कितना जाएगा, 50 करोड़ का मल्टीप्लाइड बाय 20/60, दैट विल गो टू द डिवेंचर होल्डर्स। तो इस प्रकार के डिवेंचर्स अगर कंपनी ने इशू किए हैं विद द पारी पशु चार्ज, उन डिवेंचर्स को डिवेंचर्स माना जाता है, उनको डिपॉजिट नहीं माना जाता है। लेकिन अगर कंपनी ने सेकंड चार्ज दिया डिबेंचर होल्डर को कि डिफॉल्ट के केस में बैंक पहले अपना पूरा अमाउंट रिकवर करेगा, इसी एग्जांपल को मॉडिफाई कर लेते हैं कि 50 करोड़ में से 40 करोड़ बैंक का चला जाएगा और लास्ट में बचा हुआ 10 करोड़ डिबेंचर होल्डर्स को मिलेगा, अगर उनको सेकंड चार्ज दिया गया था उस फैक्ट्री के ऊपर, देन दोज डिबेंचर्स आर कंसीडर्ड टू बी डिपॉजिट्स। लेकिन इसके साथ साथ एक पॉइंट एड ऑन भी कर दूं उसके अंदर कि अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए एंड फॉरगेट द चार्ज, पारी पशु चार्ज और सेकंड चार्ज, लेकिन वो डिबेंचर्स कंपल्सरली कन्वर्टेबल हैं इन द इक्विटी शेयर्स विद इन 10 ईयर्स, देन ऑल्सो द डिबेंचर्स आर एग्जम्प्ट और उनको डिपॉजिट नहीं माना जाता इफ दे आर कंपल्सरी कन्वर्टेबल इन टू द वेल आई से इक्विटी शेयर्स। चलिए वो अलग बातें हो गई डिपॉजिट्स के चैप्टर की जो बातें थी। और एक लास्ट पॉइंट, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर वो क्लॉज सब क्लॉज 9A के अंदर हमने पढ़ा, रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज सी सब क्लॉज 9A में, कि सर वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं, लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज हैं और दे आर अनसिक्योर्ड, तो वो एग्जम्प्ट हैं, उनको डिपॉजिट नहीं माना जाता। लेकिन आपने तो क्वेश्चन में सिक्योर्ड बोला था, तो मैं तो ये बोलूँगा यहाँ पर कि भाई अगर अनसिक्योर्ड, लॉजिकली बात करूँगा, अगर अनसिक्योर्ड वालों को एग्जम्प्ट कर दिया है और उनको डिपॉजिट नहीं माना जा रहा है, तो जो लिस्टेड हैं और नॉन कन्वर्टेबल हैं और सिक्योर्ड हैं, तो वो भी लॉजिकली एग्जम्प्ट होने ही चाहिए और उनको डिपॉजिट नहीं माना जाना चाहिए। तो आई होप वो सारी कन्फ्यूजन सॉल्व हो गई हैं और मीनवाइल आपने आज के आंसर्स लिख दिए हैं और अब मेरी टीम वो एनालाइज कर रही है इस वक्त सब कुछ। लेकिन मीनवाइल टुमारोज क्वेश्चन जो आपने टाल दिया था, सेक्शन 197 रेमुनरेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर आने वाला है। और आज का प्राइस, आज क्या मिलने वाला है, सर ये तो आपने बताया नहीं, ये तो मैंने छुपा कर रखा हुआ था, सीक्रेट था कि आज क्या मिलने वाला है। तो आज का प्राइस मिलने वाला है फुल सेबी टेक ओवर कोड एंड द टेक ओवर ऑफ लिस्टेड कंपनीज एज वेल एज टेक ओवर ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है, जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में भी काम आएगा, CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में भी और CS प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी काम आएगा, दोनों जगह काम आएगा। एंड देयर इज ओनली वन विनर हु इज गोइंग टू गेट दैट, जैसा कि मैंने YouTube पे मॉर्निंग में सुबह डाल दिया था कि विनर सिर्फ एक होगा, YouTube कम्युनिटी में ऑलरेडी सुबह सुबह पोस्ट कर दिया था कि देयर इज ओनली वन विनर ऑफ द क्विज टुडे। एंड वेल आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों ने वो जज्बा दिखाया है, पार्टिसिपेट किया है। सेक्शन 164 सबका फेवरेट था एंड आई एम होपिंग 197 भी सबका फेवरेट रहेगा। लेकिन सर प्राइस तो बता दो, आगे का प्राइस क्या मिलने वाला है। तो एक चीज़ बोलूँगा, अभी भी वो डिमांड आ रही है ICDR दे दो सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे दो, वो दो डिमांड ही सबसे ज़्यादा चल रही हैं। आई एम टेकिंग केयर ऑफ दैट, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा हट कर बात करें, सेबी टेक ओवर कोड आज दिया है ना, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, बहुत ही टेक्निकली इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनली इंपॉर्टेंट, नॉलेज वाइज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशंस बाय सेबी, एंड दैट इज द प्राइस विच इज कमिंग फॉर टुमारो। तो कल के लिए आज ही सेटल करके जा रहा हूँ, क्वेश्चन होगा सेक्शन 197 से और जो प्राइस होगा वो होगा सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशंस, फुल डिटेल, टेक्निकल डिटेल्स, मज़ेदार डिटेल्स। लेकिन मैं प्रज्यूम करूँगा कि आप लोग उससे पहले थोड़ा सा पब्लिक इशू और बुक बिल्डिंग अपने आप पढ़ लेंगे और आपको मालूम है कि व्हाट इज़ पब्लिक इशू, व्हाट इज़ बुक बिल्डिंग, तो आपको वो डीलिस्टिंग भी अच्छे से समझ में आएगा। वो डीलिस्टिंग पढ़ने से पहले एक प्री कंडीशन है कि आप लोगों को थोड़ा सा पब्लिक इशू और बुक बिल्डिंग के बारे में पहले से मालूम हो, एंड देन यू स्टडी दैट डीलिस्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद मी टुडे एंड जस्ट कीप लर्निंग विद मी, आई एम लर्निंग विद यू, हैप्पी लर्निंग एंड लेट्स कंटिन्यू टुमारो ऑल्सो। जय माता दी।